हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो नया व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि भाई आपके व्लॉग में जो है साउंड अच्छे से नहीं आती है, कहीं ना कहीं हम नहीं सुन पा रहे हैं आपकी साउंड। तो हमने सोचा कि माइक का यूज़ करते, क्योंकि आपको पता ही है कि जो व्लॉगिंग होती है उसमें आवाज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आप लोगों को सुनने में और समझने में आसानी होती है। आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। मैंने पहले ही बताया आपको कि माइक का यूज़ मैं कर रहा हूँ, तो साउंड कैसे आ रही है आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम क्या बना रहे हो? गैस अभी तो शायद से फिलहाल तड़का ही लग रहा है। खुद मैं भी देखा, फोन में देख रहा हूँ ना, ब्लॉग तो ठीक है बट टीवी पे देख रहा हूँ ना, कुछ गड़बड़ है। गाना गाते फिर भी चलो। एक मिनट, दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, तोबा तोबा कहीं प्यार ना हो जाए तो कहीं प्यार। माइक यहाँ है मेरे पास, मतलब टाइम स्पेंड करने क्योंकि मतलब हम आप देख देखते होंगे व्लॉग में कि भाई भागा भागा दौड़ी चली है हमारी लाइफ में, मतलब पिछले 6 महीने हो चुके हैं, पिछले 6 महीने मतलब हो चुके काट चुकी अब जैसे देख रहा था वीडियो, आई थिंक 6 महीने हो चुके हैं ना, तो हम ना मतलब कभी ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई हम आराम से, मतलब कि भाई 2-3 दिन हम घर पे ही बैठ के मतलब रेस्ट कर रहे हैं, बट वैसा चीज़ भी मेरे को पसंद ही नहीं है यार। मैं अगर घर पे ऐसे बैठ जाऊँगा ना, फिर मेरे को पता क्या लगता है कि भाई मेरे मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर मैं कभी ना कभी कुछ ऐसे करता हूँ कि मैं कहीं बगीचे चले गया फिर अपने व्यस्त। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मेरे को खुद को लगता है नहीं, बट मैं ऐसे मतलब क्यों रहता हूँ ना, मैं जब काम करके आता हूँ ना, मैं तो वो रहता हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो हम घर पे आज टाइम मिला है ना, तो फिर मैंने सोचा ना पूरा सेटअप ही लेके आ गया मैं यहाँ पे, पूरा रिंग लाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेटअप किया है। और रिंग लाइट अगर आपने परचेज करनी है, अगर आपको अच्छी लग रही है कि भाई लाइटिंग अच्छी आ रही है, इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या फिर माइक का भी, और माइक का भी मैं लिंक दे दूंगा। मैंने एक चीज बतानी थी कि जो हमने रिंग लाइट वगैरह ली है ना, वो सारी चीजें हम लोग एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा इसके फीचर्स एंड ऑल की क्या क्या फीचर्स है। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स में डालेंगे, अभी तो नहीं पर कभी जब हमें समय लगेगा। फिर फिलहाल के लिए आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ आपको भी रिंग लाइट की जरूरत है, तो आप हमारे इस लिंक से बाय कर सकते हैं, माइक भी आप लोग बाय कर सकते हैं, जो हम लिंक दे रहे हैं आपके लिए आसान हो जाएगा, बाकी ना अभी मैं जो है वायर्ड माइक यूज़ कर रहा हूँ। बहुत जल्द हम जो है वायरलेस पे जाएंगे, बट ऐसा है कि जब है मेरे पास कोई चीज़ ना, तो मैं उसको वेस्ट क्यों करूँगा, मैं उसको यूज़ करता हूँ ना तब तक जब तक कि नया जो है वायरलेस माइक ना आ जाए। एक्चुअली हमें चीज़ों की वेस्टेज कभी सिखाई नहीं है हमेशा, मैं तो बहुत रिसोर्सफुल हूँ, मतलब बीइंग अ नर्स ना होती है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो मतलब हमारे ना खून में होता है, मतलब कोई ना, हाँ बचत प्लस क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों का हमारे घर पे ना कई ऐसी चीज़ें पड़ी होगी ना कि नहीं यार ये ना काम में आ जाएगी, छोटी छोटी बॉटल्स या फिर कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं उसका काम आ ही जाता है। जैसे मान लो छोटी बॉटल, एक बार मैंने तो वहाँ कुछ ऐसे चूल्ही का तेल दिया था उसमें, तो मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसे ऐसे यूज़ में आ ही जाती है। कभी बगीचे जाते हैं कि थोड़ा सा दूध ले जाएँ कि भाई चाय बनाने के लिए, तो इस ऐसे ऐसे कामों में हम मतलब ऐसे उस चीज़ों का यूज़ करते हैं। चलो मैं इसमें जायका डालता हूँ जैसे मामा की तरह। हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, सबसे पहले मेरे को ना खाना मम्मी ने सिखाया, मम्मी ने भी सिखाया मेरे को खाना बनाना। मैं 5th में था तब से मैं चाय बनाता हूँ। कोई फायदा नहीं हुआ पर उसका आपके सीखने का, मेरी तो कोई मदद नहीं होती। भाई मेरे को बोलने तो दो, कैसे करती है ये। जब यहाँ पे घर बन रहा था ना, उस टाइम में चाय ऐसे बोलते थे ना कि 5 बजे के लिए तुमने क्या करना है कि भाई चाय लेके आना है तुमने इतने लोगों की, कि आज इतने लोग, सुबह ही बता देते थे। जैसे हम स्कूल से वापस आते थे, पहले हमने पानी भरना, पानी भी हम पता कैसे करते थे, बड़ी बड़ी बाल्टी तो चक्की उठाई नहीं आती थी, वहाँ से हमने छोटी छोटी बाल्टियों में पानी लेके मतलब बड़ी बाल्टियों में उसको शिफ्ट करते थे। तो मम्मी बोलते थे कि भाई 5 बजे के लिए तुमने क्या करना, चाय लेके आना, जैसे 5 आदमियों की या 6 आदमियों की, उस हिसाब से मैं चाय लेके आता था। 1997 की बात है ये जो मैं आपको बता रहा था कि भाई जब हम मेरे को मम्मी बोलते थे कि भाई चाय बना के लिया, तो उस टाइम की बात है, तब का ही ये घर बना है। 97-98 में शायद से 98 या 99 में हम यहाँ पे आ गए थे। मतलब होम टूर भी हम आपको बहुत जल्द करवाएंगे, लेकिन वो जल्द नहीं, एक्चुअली तभी कराएंगे होम टूर जब हम लोगों का ऊपर वाला फ्लोर भी बन जाएगा, फिर हम ये वाला फ्लोर प्लस आपको ऊपर वाला फ्लोर इकट्ठे दिखाएंगे, क्योंकि वेंचर बार बार हम होम टूर ही करते रहे, इकट्ठे दिखाएंगे ये पुराने वाला भी जो होगा और जो नया बनाएंगे वो भी।
आपके फेचना बोलते थेचना हमारे झेचना बोलते अरे झेचना चुप रहो झेचना है ना आप अभी चुप बैठो तो साथ ही साथ कुकिंग करो आप मैं भी सफाई कर ही लेता हूँ तो आज हम बना रहे हैं चटनी में जो है खट्टे का यूज करने वाले हैं प्लम पुदीने की चटनी बनाएंगे वैसे ओहो आवाज नहीं सुनाई देगी खट्टे में जो यूज करने वाले हैं हम प्लम का यूज करने वाले हैं अच्छा माइक मेरे पास है चीज में और बोलना चाहता ना काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है सीधी सी बात और घर का काम करने से भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी की उसमें तो शान में वो आ जाती है मैं खुद करता हूँ बट मैं इसको करने इसलिए देता हूँ ना फिर इसको खिलाएगी मैं भाई काम करने लाया था एक्टिव रहता है ना काम करने से यार तो आप भी कर लिया करो आप भी लो एक्टिव करता हूँ मैं जब जब गेस्ट आते मैं ही बनाता था खाना जब से शादी हुई है ना तब से आप नड़ाफे हो गए नड़ाफे क्या होता है पता है वो क्या पूछो लोगों से यार 31 के वर्ड नड़ाफे अभी क्या बोला है अभी थोड़ी देर पहले झेचना और प्लस ये जो रिंग लाइट है रिंग लाइट की एक ही पाइप है ना तो जैसे ट्राईपॉड में तीन होते हैं तो एक बार मैंने इससे पूछा ना कि ट्राईपॉड इतना लाइट वेट है ये क्यों ऐसी भारी भारी है बोले इसकी पाइप ना मोटी होती है और बोले अगर ये पतली होती तो भड़ेंग नहीं जाएगी मतलब है बोले भड़ेंग क्या होता है भाई तो ऐसे से नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं आपको मैंने चावल लगाने को बोला जैसे आप कितना काम करते हैं चावल लगाओ पहले चलो नहीं तो भाई मैं ऐसे सारे के लिए खड़ा हूँ तुम्हारे कोई बात नहीं मेरे को सारा नहीं तो तुम बोल रहे थे नहीं नहीं जाओ तो अब हम बनाएंगे चटनी और चटनी बनाने के लिए आप लोगों ने इस तार को सेट कर लेता हूँ मैं ठीक है नहीं तो फिर तुम भी इसमें बढ़ेंगे जाओगे बढ़ेंगे नहीं होता बढ़ेंगे जो भी है बढ़ेंगे और बढ़ेंगे का मतलब होता है टेढ़े हो जाओ टेढ़ा हो जाना दो दो शब्द और सीखे मैंने तुम्हारे क्या एक हैन एक बक बक ये ना थी बक मम्मी टमाटर और प्याज कितने डालने हैं इसमें एक एक हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ एक एक इसके लिए मोटे मोटे काट सकते हैं प्याज क्योंकि इसमें तो पीसना ही है अच्छा दहेड़ी बढ़ाओ हाँ तुम्हें हो आज आए थे चुप रहो यार आपको समझ तो आती नहीं है प्याज मैंने डाल दिया इसमें अब टमाटर और लहसुन डालूंगी थोड़ा सा तो हम ये लहसुन डालेंगे प्याज टमाटर लहसुन नमक मिर्च मैंने डाल दिए अब मैं इसमें थोड़े से प्लम डाल थोड़ा सा प्लम डाल रही हूँ एक प्लम बहुत खट्टे हैं तो इसलिए मैं इसमें इनको इस्तेमाल कर रही हूँ फिर अगर हमें इसमें खटाई कम लगेगी तो एक और डाल देंगे एक और नहीं डालेंगे नींबू डालेंगे थोड़ा सा कभी को जो यूँ कुछ अलग सा वो कर रहा है ये अलग सा नहीं पानी नहीं डाला सब कुछ डाला चम्मच चाहिए मुझे एक चम्मच दो तो एक्चुअली ना हमने ये दरदरी रख के किए क्योंकि हमें ऐसी पसंद है ओ भाई अरे क्या घाटा होगा प्लम ने किया ये कमाल नींबू डाल लेनी आप लगे बोलने कुछ तो कमी है इसमें यार कमी नमक की कमी हो सकती है तो अभी हम बैठे हैं बाहर ना माइक मिल रहा है बाहर बैठे हैं ना हर शाम को बाहर ही बैठते हैं क्योंकि अंदर ऐसा तपा होता है ना मतलब ऊपर जो टॉप फ्लोर है ये ना मतलब ऊपर लेंटर सा तपा होता है ना अंदर जाते ऐसा लगता है जैसे भट्टी में घुसी है ब्रूनो भी आ गया अपना इसको पता है देख लिया कि कहाँ है बिस्कुट देगी इसको दो तो चार कोड़े मिले ये क्या मतलब मेरे को तीन ही दिए अरे यहाँ से खाओ सब पागल हो गया तो इस जब से मैं शिमला से आया ना उसके बाद से ना शायद ही हम मतलब लॉकडाउन का टाइम था जब हम एक एक महीना यहाँ पे रहते थे ना मतलब ऐसे मतलब यहाँ पे रुक गया ना बाकी कहाँ रुकते थे यहाँ दो तीन दिन रुकना फिर कभी जाना बड़े पानी उसके वहाँ से आके फिर जाना रोहन फिर उसके वहाँ से आके फिर जाना जापान फिर उसके वहाँ से आके फिर यहाँ पे ऐसा ठीक है होनी चाहिए जिंदगी दिखा
तो कुल मिला के ना यहाँ से हमारे घर से 18 गांव दिखते हैं, मतलब पापा ने गिना है क्योंकि पापा भी रह चुके हैं ना यहाँ बाहर, मतलब मेरा 7 साल 7 साल 7 साल जॉब किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और पटवार खाना यही था ना आपका? यहाँ से मैं दिखाता हूँ ना पटवार खाना आपकी बोलते ही आदमी चुप हो जाता। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना शेड जैसा, ये मतलब एक मंजिल का, तो ये है पटवार खाना। तो कई बार मतलब हम यहीं से देखते थे पापा को जाते हुए, यहाँ से नीचे से रास्ता था तो वहाँ से देखते थे ऊपर को जाते हुए। तो एक्चुअली आप लोगों ने अभी मुझे पूजा करते हुए देखा होगा। वैसे हमारे घर पर ना पापा पूजा करते हैं या फिर ये पूजा करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, लेकिन आज के दिन जब इस घर में पहली बार आए थे, आज वो मतलब बहुत सालों पहले आज के दिन सब लोग इधर शिफ्ट हुए थे, मतलब ये लोग गुरु पूजा वाले दिन इधर शिफ्ट हुए थे। मुझे नहीं पता कब हुए थे शिफ्ट, पर हुए थे, और इसीलिए आज पापा ने बोला कि आज शिवानी को बोल धूप देने के लिए, लक्ष्मी घर की लक्ष्मी होना मैं इसलिए, तो ये बताना आप लोगों को मुझे लगा ज़रूरी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रीति अब हमारी डिनर की तैयारियाँ हो रही है, और डिनर में आज हम बना रहे हैं पालक, चूँकि हम लोग अपने ही ऑर्चर्ड्स में से लेके आए हैं, ऑर्चर्ड्स के बीच में लगा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से लेके आए हैं, यानी कि ऑर्गेनिक है ये पालक, और हम लोगों को फिर ऐसा है ना कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम लोग फटाफट से बना रहे हैं, खूब सारा पालक बना रहे हैं आज, पालक और पनीर बनाएंगे। पनीर बस इसको हमने अच्छे से धो दिया है क्योंकि मिट्टी होती है कई बार, जैसे हमने बगीचे में स्प्रे की होती है ना, तो हमने सेब पे स्प्रे करते हैं पर साथ में इसमें भी चली जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि इसमें भी हो सकता है कि दवाई वगैरह, तो फिर हमने इसको अच्छे से धो दिया है और फिर उसके बाद कट करना है इसको। कट करने के बाद बॉईल करने को लगाऊंगी। वैसे आप लोगों को मुझे ज़्यादा अच्छा आता होगा बनाना, मैं तो ये बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, सिंपल तरीका है मेरा, कोई खास तरीका नहीं, ज़्यादा मैं मास्टर शेफ़ हूँ नहीं, फिर अगर किसी को ऐसा लगे कि हाँ हमें सिखा रही है ये, किसी ने कमेंट किया था वैसे भी पता आपको, किसी ने कमेंट किया है कि हमें तो ऐसे सिखा रही है जैसे मन पड़े। मैं सिखा नहीं रही, मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐसे बनाया था, वही तो किसी ने किया था कमेंट, अब मैं उनका नाम तो क्या ही लूँ, छोड़ो परे, पर किया था किसी ने, तो उसको काट काट के हम ऐसे छोटा छोटा कर देंगे। अरे नहीं यार ये वो पानी पानी है तो उस वजह से। आप लेट आए हो, मैं आपको बता दूं मेरा आधा तड़का लग चुका है, एक्चुअली कल मैंने किसी अलग तरीके से बनाई थी, नहीं आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। देखो पालक पनीर हमारा ऑलमोस्ट बनने वाला है और मेरी गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे ये व्लॉग यहीं पर एड कर देना चाहिए क्योंकि सब्जियाँ तो आपको बनानी आती होगी, मैं क्या सिखाऊंगी इसमें आपको, और मैं इस व्लॉग को इसी के साथ एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी टिनिंग कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए जब हमारा व्लॉग आए। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप भी बोलो बाय। आई होप अब दिख रहा होगा यार, पहले क्या हो गया था ना, मतलब मैंने इतने दिख रहा हूँ और मैं बोल ही जा रहा हूँ, मैं वो क्लिप भी लगा दूंगा यहाँ पे। तो मैं बोल रहा था कि इस माइक के साथ आज हमने पूरा मतलब पूरा व्लॉग हमने माइक के साथ ही किया कि आपको आपको अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। क्योंकि क्योंकि अगर फ्रेम ऊपर सेट करते तो मैं नहीं दिखती, नीचे सेट करते तो ये नहीं दिखाई देती। वो पंगा हो रहा था, मैंने ये कैमरा थोड़ा सा टिल्ट करके सेट किया था ना, तो ताकि इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, अभी मैं यहाँ पे था तो यहाँ पे फ्रेम में सिर्फ मेरी आँखें दिख रही थी, खोपड़ी खोपड़ी कुछ भी दिख रही थी। चलो मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा फिर चलाना, इसको रख देता हूँ वहीं है ना।